ओके, कैरेक्टर फंक्शंस इन सी. कैरेक्टर फंक्शंस नीड सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम. डिफरेंट कैरेक्टर फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय द सी लैंग्वेजेस आर. सी लैंग्वेजेस में कुछ कैरेक्टर्स के लिए फंक्शंस अवेलेबल है जिसके लिए हम लोग को एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है सी टाइप डॉट एच. सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल्स के अंदर कुछ पहले से प्री डिफाइंड हम लोग को कैरेक्टर्स को सपोर्ट करने वाले हम लोग को फंक्शंस मिल जाते हैं. तो जनरली ये सारे कैरेक्टर्स को चेक करते हैं कि हमने जो इनपुट दिया है वो इनपुट या अल्फाबेट है या नंबर्स है या पंक्चुएशंस है या अल्फा न्यूमरिक है, ठीक है, या फिर स्पेस है. ठीक है, इस टाइप से वहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को चेक करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग चेक करने के लिए पांच फंक्शन को यूज करते हैं. सबसे फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे इज अल्फा. दिस फंक्शन चेक्स वेदर द कैरेक्टर वेरिएबल कॉन्स्टेंट कैरेक्टर वेरिएबल कॉन्स्टेंट कंटेन्स अल्फाबेट और नॉट. ठीक है, ये चेक करेगा कि जो भी हम लोग कैरेक्टर वहां एंटर किए हैं या फिर कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें कोई कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, तो वो अल्फाबेट्स है या नहीं है. ठीक है, अल्फाबेट हो अगर होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है, सेकंड आता है यहाँ पे इज डिजिट. ठीक है, दिस फंक्शन चेक्स वेदर द कैरेक्टर वेरिएबल कॉन्स्टेंट कंटेन्स डिजिट और नॉट. ठीक है, इस डिजिट से क्या होगा, वो चेक करेगा कि उस वेरिएबल में जो भी वैल्यूज है वो डिजिट है या नहीं है. थर्ड इज एलनम. ठीक है, इसका मतलब होता है इज अल्फा न्यूमरिक. दिस फंक्शन चेक्स वेदर द कैरेक्टर वेरिएबल स्लैश कॉन्टेंट कॉन्स्टेंट कंटेन्स एन अल्फाबेट और डिजिट. ठीक है, या तो अल्फाबेट होने चाहिए या तो डिजिट होने चाहिए. ठीक है, अल्फा न्यूमरिक हम लोग इसको बोलते हैं जिसमें हम लोग अल्फाबेट्स भी डाल सकते हैं और डिजिट को भी हम लोग ले सकते हैं. फोर्थ आता है यहाँ पे इज, ठीक है, इज पंक्चुएशन, ये पी यू एन सी टी यहाँ पे दिया हुआ. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में दिस फंक्शन चेक्स वेदर द कैरेक्टर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट कंटेन्स ए पंक्चुएटर और नॉट. पंक्चुएटर्स आर कॉमा सेमी कॉलन एक्सेट्रा. ठीक है, उसमें पंक्चुएशन है या नहीं है वो चेक करेगा. फिफ्थ है इज स्पेस. दिस फंक्शन चेक्स वेदर द कैरेक्टर वेरिएबल कॉन्स्टेंट कंटेन ए स्पेस और नॉट. ठीक है, कोई भी अगर कैरेक्टर वेरिएबल है उसमें स्पेस है या नहीं है वो चेक करेगा. तो यहाँ पे हम लोग फाइव टाइप्स के फंक्शंस यहाँ पे देखते हैं. इज अल्फा, इज डिजिट, इज एलनम, इज पंक्चुएशन और इज स्पेस. तो यहाँ पे पांच टाइप के हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल है. तो इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कैरेक्टर फंक्शंस. ठीक है, प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट एच हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच. हमने यहाँ पे सी टाइप डॉट एच एक हेडर फाइल को ऐड किया हुआ है. जैसा हमने मैथ फंक्शन को यूज करने के लिए मैथ डॉट एच यहाँ पे यूज किया था, वैसे ही कैरेक्टर के लिए सी टाइप डॉट एच हम लोग एक हेडर फाइल्स को यूज करते हैं जिसके अंदर हम लोग को सारे कैरेक्टर रिलेटेड फंक्शंस मिल जाते हैं सब. फिर आते हैं हम लोग void main पे. यहाँ सबसे पहले एक हमने वेरिएबल बना लिया है कैर एन. देन उसके बाद यहाँ printf से हम लोग ने मैसेज प्रिंट किया स्लैश एन एंटर अ कैरेक्टर. और हमने यहाँ पे गेट सी एच ई फंक्शन से जो हम लोग को एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेके हम लोग को एक वेरिएबल पे स्टोर करके देगा. अब इसी एन की वैल्यू को हम लोग को चेक करना है. सबसे फर्स्ट आते हैं हम लोग इफ. हमने इफ के अंदर लिखा है इज अल्फा और ब्रैकेट के अंदर दिया है एन. जो भी यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे रन टाइम पे उसी को हम लोग यहाँ चेक करेंगे. इफ इज अल्फा ऑफ एन तो यहाँ पे प्रिंट करेगा यू टाइप्ड एन अल्फाबेट. ठीक है, अगर वो अल्फाबेट होगा तो वो क्या बताएगा, यू टाइप्ड एन अल्फाबेट. सेकेंड है यहाँ पे इफ इज डिजिट ऑफ एन.
यहां से हम लोग एन देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बताएगा कि वो डिजिट है या नहीं, चेक करेगा कि वो डिजिट है या नहीं। अगर डिजिट होगा तो यहाँ पे हम लोग को बताएगा यू टाइप्ड ए डिजिट। देन उसके बाद है इफ इज एल नम, ठीक है, एल नम में मीन्स क्या करेगा, अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों को सपोर्ट करेगा और बताएगा। अगर हम लोग ने अल्फाबेट दबाया तो अल्फा बताएगा यू टाइप्ड एन अल्फाबेट और डिजिट। यहाँ पे हम लोग अगर देंगे नंबर तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बताएगा यू टाइप एन अल्फाबेट और डिजिट। इफ इफ इज स्पेस ऑफ एन, यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ यू टाइप ए ब्लैंक स्पेस, यू टाइप ए ब्लैंक स्पेस, ठीक है, स्पेस को चेक करेगा और टाइप ब्लैंक स्पेस बताएगा। फिर उसके बाद इफ इज पंक्चुएशन ऑफ एन, ठीक है, अगर हमने कोई पंक्चुएशन टाइप किया है तो वो भी यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर्स को ही हम लोग ले रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को आउटपुट बताएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें आउटपुट, एंटर ए कैरेक्टर इक्वल टू ए, ठीक है, ए हमने एंटर किया, यू टाइप्ड एन अल्फाबेट, ठीक है, ये हम लोग को बताएगा। तो इस प्रकार से हमने एक प्रोग्राम देखा जिसमें हम लोग ने 5 टाइप्स के फंक्शंस यहाँ पे देखे जो कैरेक्टर रिलेटेड है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फाइल में जाके न्यू ले लेते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट कैरेक्टर फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड cType.h। तो हमने यहाँ पे 3 हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे void main, ठीक है, void main हमने दे दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ char c, चलो n हमने लिया था, n ही हम लोग ले लेते हैं, clrscr हम लोग ले लेते हैं, क्लियर स्क्रीन। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, printf, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे स्लैश एन एंटर ए कैरेक्टर, हम लोग को पता चलेगा कि अब एंटर करना है एक कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर मीन्स सिंगल कैरेक्टर एंटर करना है हम लोग को। देन उसके बाद हम लोग गेट सी एच ई फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे, और इनपुट लेने के बाद हम लोग इसको किस में डाल देंगे, n के अंदर डाल देंगे। तो n इक्वल टू गेट सी एच ई, तो n में हम लोग को इनपुट मिल गया है। अब इसी n को हम लोग हर बार चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए हम लोग इफ कंडीशन का यूज करेंगे, इफ सबसे फर्स्ट इज अल्फा, इज ए एल पी एच ए अल्फा ऑफ n, यहाँ पे हम ले देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ यू एंटर्ड स्लैश एन यू एंटर्ड अल्फाबेट, ओके, इस प्रकार का हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया, इज अल्फा हमने चेक कर लिया। सेम वैसे ही हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इफ, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इज डिजिट डी आई जी आई टी, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज डिजिट ऑफ एन, यहाँ पे हम लोग दे देंगे प्रिंट एफ स्लैश एन यू एंटर्ड ए डिजिट, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या देंगे, इफ
नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इज एल नम, इज एल नम, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इस एन को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंट एफ, स्लैश एन, यू एंटर्ड अल्फाबेट एन अल्फा बेट और डिजिट। देन उसके बाद हम स्पेस को चेक करेंगे इफ इज स्पेस ऑफ एन, देन क्या होगा यू टाइप्ड स्पेस, प्रिंट एफ हम लोग दे देंगे यू स्लैश एन यू एंटर्ड स्पेस। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट लास्ट है हमारा पंक्चुएशन, इफ यहाँ पे देंगे इज पंक्ट और यहाँ पे हम लोग दे देंगे एन और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रिंट एफ यू एंटर्ड स्लैश एन यू एंटर्ड पंक्चुएशन। ओके तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम पूरा का पूरा बन चुका है, हमने पांचों यहाँ पे यूज कर लिए हैं। अब इसको सबसे पहले हम लोग सेव कर लेते हैं कैर फंग, ठीक है chrfun.c, और इसको हम लोग करते हैं कंपाइल और इसको हम लोग करते हैं रन। हम लोग को एक सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे इनपुट देना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ए इनपुट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही ए इनपुट मैंने दिया, यू एंटर्ड एन अल्फाबेट, यू एंटर्ड एन अल्फाबेट और डिजिट, ठीक है दो फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, एक सबसे पहला इज अल्फा काम कर रहा है और दूसरा इज एल नम भी काम कर रहा है, दोनों यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे ही मैंने एंटर किया, कोई भी एंटर वगैरह कुछ भी प्रेस नहीं किया था मैंने। सेकेंड यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं डिजिट, मैं एंटर कर रहा हूँ 5, जैसे ही 5 एंटर करूंगा तो यहाँ पे यू एंटर्ड ए डिजिट बोला और यू एंटर्ड एन अल्फाबेट और डिजिट, दोनों फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। देन उसके बाद मैं फिर से रन करता हूँ और मैं ब्लैंक स्पेस डालता हूँ, एक स्पेस मैंने एंटर किया, यू एंटर स्पेस, यहाँ पे हमको बता दिया, तुरंत बताएगा, कोई एंटर प्रेस नहीं करना है। यहाँ पे पंक्चुएशन टाइप करूंगा, मैं टाइप करूंगा सेमी कॉलन, तो मैंने सेमी कॉलन दबाया और यहाँ पे बता दिया यू एंटर्ड पंक्चुएशन। तो यहाँ पे हम लोग ने पांचों जो हमारा फंक्शंस थे उसको चेक कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया अपने सी प्रोग्राम में।